बॉम्ब तो सर क्या हाल है? ठीक हो? मैं गोल्डमैन काका ट्रिपल टू जनाब। दोस्तों मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है लेकिन आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जफर सुपारी और गोल्ड मैन काका ट्रिपल टू के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड मैन काका ट्रिपल टू के बारे में। दोस्तों गोल्ड मैन काका ट्रिपल टू रावलपिंडी का रहने वाला है। दोस्तों इसका असल नाम अमजे सईद है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा सोना पहना तो इसको गोल्ड मैन का नाम दिया गया और इनका ज्वेलरी का अपना काम है। इनकी 100 से भी ज्यादा ज्वेलरी की शॉप है और गोल्ड मैन काका ने कहा मैं हर वक्त 15 किलो सोना पहने रखता हूँ, जो की 15 किलो सोने की कीमत कई करोड़ रुपए बनती है। और गोल्ड मैन काका ने कहा ये जो कारोबार है सोने का ये मुझे वालदेन की तरफ से मिला है क्योंकि मेरे वालदेन भी यही सोने का कारोबार करते थे। और गोल्ड मैन काका कहीं भी जाता है लोग इनके साथ सेल्फियां बनाते हैं और इनके साथ अपने बॉडीगार्ड भी मौजूद होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं गोल्ड मैन ने सोने की चैन और सोने के कड़े पहने हुए हैं। और गोल्ड मैन काका ने कहा जो मेरे पास कुल सोना है वो है 10 अरब रुपए का। दोस्तों ये थी गोल्ड मैन काका ट्रिपल टू की कहानी। अब बात कर लेते हैं जफर सुपारी के बारे में। दोस्तों जफर सुपारी रावलपिंडी का रहने वाला है। इसको रावलपिंडी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। जफर सुपारी भी सोना पहनने की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं जफर सुपारी ने सोने की चैन और सोने के कड़े पहने हुए हैं और जफर सुपारी को भी गोल्ड मैन का नाम दिया जाता है और दूर दूर से जफर सुपारी के फैन जफर सुपारी को मिलने आते हैं और उनके साथ अपनी फोटो भी बनवाते हैं। जहाँ कोई शादी या मेला हो वहाँ जफर सुपारी को खुसूसी मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है और जफर सुपारी कहीं भी जाता है इनके साथ अपना प्रोटोकॉल भी मौजूद होता है। जफर के प्रोटोकॉल में 100 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद होती हैं और जिस गाड़ी में जफर सुपारी बैठते हैं उस गाड़ी की कीमत है 2.5 करोड़ रुपए और जफर सुपारी का अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है और जफर सुपारी ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर सन 2019 में लिया था। और इसके अलावा जफर सुपारी को जानवर और परिंदे पालने का बहुत ज्यादा शौक है। जफर सुपारी ने अपने डेरे पर बहुत सारे परिंदे और जानवर पाल रखे हैं और जफर सुपारी ने एक इंटरव्यू में कहा मेरे दरवाजे हर वक्त गरीबों के लिए खुले रहते हैं, मैं हर वक्त गरीबों की मदद करता रहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं जफर सुपारी गुंडा है, जफर सुपारी डॉन है, ये गरीबों के हक खा जाता है, उनकी जमीनें खा जाता है, लेकिन दोस्तों हम बिल्कुल भी नहीं मानते। जफर सुपारी बहुत अच्छा इंसान है। दोस्तों अल्लाह ताला जफर सुपारी को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे, आमीन। दोस्तों आप किसके फैन है? आप जफर सुपारी के फैन है या गोल्ड मैन काका ट्रिपल टू के फैन है? मैं तो दोस्तों जफर सुपारी का फैन हूँ। आप लोग किसके फैन है लाजमी कॉमेंट में उसका नाम लिख देना है। आप जफर सुपारी के फैन है तो जफर सुपारी लिख देना है, अगर आप गोल्ड मैन काका ट्रिपल टू के फैन है तो उसका नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों मुझे चाहिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो पर।